हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का न्यूमेरिकल एनालिसिस का सोल्व पेपर। ये 2017 का सोल्व पेपर है, ये हम आज सोल्व करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था अपने पास डेल स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये शो करना था, ये शो करना है हमें। अब इसको शो करने के लिए हम फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डेल को खोलते हैं। डेल बराबर क्या होता है अपने पास? डेल बराबर होता है अपने पास ई माइनस वन, ये होता है। तो डेल की जगह हमने ई माइनस वन रख लिया, तो ये होगा ई माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन ई एक्स क्यू। फ्रेंड्स यहाँ क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ये आ गया अपने पास। अब हमने इसको खोल लिया तो ये आ गया ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन एक्स क्यू अपॉन ई एक्स क्यू, ये आ गया। फ्रेंड्स अब एक्स क्यू का हम अंदर ऑपरेट कर देते हैं एक्स क्यू को, तो ये आ जाता है अपने पास ई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस टू ई एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू। एवं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एच बराबर है अपने पास वन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में एच बराबर वन दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम इसको खोल देते हैं तो ये क्या आएगा ई स्क्वायर एक्स क्यू को खोलेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स प्लस वन, क्योंकि एच बराबर वन है तो ये एक्स प्लस एच का क्यू हो जाएगा माइनस टू ई एक्स क्यू खुलेगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच यानी वन का क्यू प्लस एक्स क्यू अपॉन, साथ में ये खुलेगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का क्यू। अब हमें ये भी खोलना है अभी, तो ये आ जाएगा सॉरी एक्स प्लस एच आएगा इसमें तो वन है वो वन प्लस वन टू एक्स प्लस टू का क्यू माइनस टू एक्स प्लस वन का क्यू प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब, ये खुल गया है। अब हम इसको इसका क्यूब खोल सकते हैं। इसका क्यूब खोलने पर क्या जाएगा अपने पास एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस टू। अब इसका क्यूब खोलते हैं तो ये एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 प्लस एक्स क्यू अपॉन में अपने पास फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स प्लस वन का क्यूब, ये है अपने पास। अब ये आ गया अपने पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। माइनस में का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा अपने पास एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 6 प्लस एक्स क्यू। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं एक्स क्यू और 2x³ ये कट गया इससे, 6x² माइनस 6x² ये गया, ये 12x है यहाँ पे माइनस 6x है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया 6x बच गया अपने पास। एवं अपने पास ये तो प्लस 2 बच गया, ये आ गया 6x प्लस 2। और फ्रेंड्स ये आ गया एक्स प्लस वन का क्यूब नीचे अपने पास। फ्रेंड्स हमने यहाँ मिस्टेक की थी, यहाँ पे जो क्यूब आएगा यहाँ पे वन आएगा, ये मिस्टेक की थी। तो टू का मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा टू ओनली, मल्टीप्लाई करने पे टू तो ये सिक्स आ जाएगा। इस तरह से अब हम सिक्स कॉमन ले सकते हैं, तो सिक्स कॉमन लेने के पास ये आ गया 6x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन एक गया तो ये आ गया 6 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स हमें प्रूव करना था इक्वल टू आर एच एस। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर टू ये था। एक क्वेश्चन है बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों का क्रमगुण संकेतन में व्यक्त करो जबकि अंतराल एक हो। एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस इन फ्रैक्शनल नोटेशन द इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कहीं भी दिया है, जैसे कि हमारे पास
इसको सॉल्व करने के डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, और उसके बाद मेथड ऑफ डिटेक्टेड कोफिशेंट से कर सकते हैं हम। अब पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको, और डायरेक्ट मेथड ही काफ़ी है हमारे लिए, तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो ये अपने पास एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x³ - 3x² + 3x - 10 ये दिया हुआ है अपने पास। अब हम इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जो अंतराल x - 1 चाहिए उस रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x³। सॉरी, ये क्रम गुणित का साइन है, ये x³, क्यूब नहीं, वो बोलते हैं इसको क्रम गुणित का साइन है, ये bx² + cx1 + d। जहाँ पे फ्रेंड्स हम जानते हैं जैसे x³ है, तो इसको लिख सकते हैं x x-1 x-2, ये इसकी वैल्यू होती है। हमें इसको इस तरह से लिखना है कि ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में आ जाए अपने पास, इसमें लिखना है हमको। अब फ्रेंड्स ये अपने पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax x-1 and x-2 + b, इसको क्या लिख सकते हैं, x x-1 + c x + d, जहाँ पे वेयर a b c and d आर कॉन्स्टेंट, जिनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन में हम x = 0 रख दें, इस इक्वेशन में x = 0 रखने पर अपने पास आ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास हमारे पास ये है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं f(x) = इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, जैसे 2x³ - 3x² + 3x - 10 = ये लिखो, ये हमने इसको इक्वली लिखा है, तो ये अपने पास a x x-1 x-2 and x-3 sorry x-3 नहीं, +bx x-1 + cx + d। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो हम देख सकते हैं अगर हम x = 0 रख दें इसमें वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, ये -10 बचेगा ओनली, पुट x = 10, तो ये आ गया अपने पास -10। x = 0 पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास d बराबर, तो एक वैल्यू आ गया हमारे पास d = -10। अब हम रख देते हैं x = अगर हम 1 रखें, सॉरी हाँ x = अगर 1 रखें, तो हम पुट x = 1। अब x = 1 रखा तो हमने पास, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x = 1 पे ये आ जाएगा अपने पास 2 - 3 + 3 - 10 = x = 1 पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये अपने पास c.x c आ जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो d की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे -10, सो d की वैल्यू -10 ये रख दी हमने। अब हमने c के लिए हमें सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 से 3 गया, ये आ जाएगा -8 -8, और इधर 10 को इधर लाए तो c = आ गया अपने पास 2, इस तरह c की वैल्यू आ गई। नाउ पुट x = 2, x = 2 रख दिया हमने, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, x = 2 रखने पर ये आ जाएगा अपने पास 2 * 8 - 3 * 4 + 6 - 10 = ये आ गया अपने पास, यहाँ 2 रखा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, तो ये अपने पास आ गया अपने पास b, और x = 2 रखा है तो 2 - 1 2 1 हो जाएगा, एंड 2 2 भी आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू अपने पास 2 है, और x = 2 रखा है तो ये 4 + d की वैल्यू -10 है अपने पास, -10 ये आ गई। इसको सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा b = 3, इसको सॉल्व किया तो b = अपने पास 3 आ गया। अब हम दोनों के अगर पक्षों की तुलना कर लें, या x = कुछ और भी वैल्यू रख सकते हैं हम, तो उसको सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा a = 2।
इस तरह से ये बराबर टू आ जाएगा। तो अपने पास जो एफ एक्स आ गया वो इस तरह से बदल गया, अपने पास टू एक्स और जो क्रम गुणित का साइन है 3 प्लस 3 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 1 माइनस 10, ये अपने पास क्रम गुणित में आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो अपने अपने पास उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करना था उसके ज्ञात के लिए करते हैं। उत्तरोत्तर अंतर क्या होता है, उसका सूत्र होता है डेल एक्स एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले डेल एफ एक्स निकालते हैं, इसमें डेल ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो आ जाएगा अपने पास, यहाँ से निकालेंगे तो टू तो ये कॉन्स्टेंट है, डेल एक्स क्यू प्लस 3 डेल एक्स 2 प्लस 2 डेल एक्स 1, ये आ गया अपने पास। तो प्लस ये कांस्टेंट डेल माइनस 10, ये आ गया अपने पास। तो इस कंडीशन में ये डेल जो क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब ये तो अपने पास 0 हो जाएगा क्यों, एन माइनस वन ये तो 0 हो जाएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 और 3 बार आ जाएगा, तो 6 एक्स 2 प्लस ये आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 एक्स 1 प्लस ये 1 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2, ये आ गया अपने पास। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये निकालते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 6 और ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 और ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पावर 0 हो जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा वो, इसी तो ये आ गया अपने पास 12 एक्स 1 प्लस 6। अब हम डेल क्यूब निकालते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास ये एक्स ये 1 बार आगे आ जाएगा, तो ये 12 और x की पावर 0 जो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा अपने पास। अब फिर हमारे पास यहाँ तक आ चुके हैं। अब डेल 4 निकालते हैं, डेल 5 निकालते हैं, तो वो सब 0 होंगे क्योंकि कांस्टेंट से क्या आगे डेल 4 fx बराबर डेल 5 fx एंड सोन डेल n fx n greater equal 4, ठीक है, ये सब 0 होंगे। फ्रेंड्स अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फाइंड द नंबर ऑफ गेटिंग वैक्स बिटवीन RS 10 एंड RS 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। वैक्स एंड RS वैक्स मतलब मजदूरी दी हुई है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ऐसे मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी जो मजदूरी है वो 10 से 15 के बीच में है, हमें ये ज्ञात करना है। और मजदूरी दी हुई है ये है 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10 के बीच 9% लेते हैं, 10 से 20 30 को मिलती है, 20 से 30 35 को मजदूरी मिलती है, 30 से 40 42 को मिलती है। अब हमें निकालना है कि 10 से 15 के बीच में कितने बंदों को मजदूरी मिलती है। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम जो अग्रांतर सारणी होती है वो बनाएंगे, फॉरवर्ड टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मजदूरी, मजदूरी या वेक्स, ये मजदूरी हो गई। इसके बाद लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को हम एफ एक्स से शो कर सकते हैं, ये एफ एक्स, ये अब मजदूरी है वो इस तरह से लिखते हैं हम 10 से कम, पहले 10 से कम, उसके बाद 20 से कम, उसके बाद 30 से कम, फिर 40 से कम, ये अपने पास मजदूरी हो गई। इनकी संख्या थी, ये थी अपने पास सबसे पहले 9, अब ये 20 से कम तो 9 प्लस 30 हो जाएगा 39, 39 ये हो गया। अब ये हो जाएगा 30 से कम, 39 प्लस 35 ये हो जाएगा 74। अब 40 से कम तो 74 प्लस 42 ये हो जाएगा 106। अब निकालते हैं हम डेल एफ एक्स, पहला अंतर निकालते हैं वो आएगा डेल एफ एक्स, ये आएगा, ये होगा अपने पास, इसमें से इसको घटाओ तो ये 30, इसको इसमें से इसको घटाए तो 35, इसमें से इसको घटाए तो 42।
अब डेल स्क्वायर एफ एक्स ये निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाए तो 5, और इसको में से इसको निकाला तो 7। अब निकाला हमने डेल क्यू एफ एक्स, ये तो ये आ गया 2। आगे हमारे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ये आ चुके हैं, यहाँ पे लास्ट टर्म आ चुकी है हमारे पास, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है ऐसे मजदूरों की संख्या जो 20 से कम, जिनकी वो जो मजदूरी है वो 15 रुपये से कम हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम निकाल सकते हैं, अगर हम एफ़ पंद्रह निकाल लें तो ऐसे मजदूरों की संख्या आ जाएगी जिनकी संख्या 15, जिनकी जो नंबर है जो मजदूरी है वो 15 रुपये से कम है, और 15 रुपये उनमें से, पर अगर हम F10 निकाल दें, ये हम उस F10 को हम निकाल दें, तो इस कंडीशन में अपने पास वैल्यू आ जाएगी जो उन लोगों की, उन मजदूरों की संख्या जिनकी जो मजदूरी है वो 10 से और 15 के बीच में है, ये हमें निकालना है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं F15 ज्ञात करने के लिए, सॉल्व ये निकालने के लिए हमें ये निकालना है। तो इसके पास हमारे पास इसमें ये निकाल सकते हैं, ए क्या है 10, एच क्या है अपने पास डिफरेंस, तो 10, ये 10, 20, 30, ये भी 10 है, एंड ए प्लस एच यू बराबर 15, ये आ गया ए प्लस एच यू बराबर 15। तो इससे अब हमारे सॉल्व करने पर यू बराबर आ जाएगा, यू बराबर देख सकते हैं हम 15 माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल टू 0.5, तो यू की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन न्यूटन गेगरी का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो लगाते हैं, वो है अपने पास एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ ए प्लस, इस तरह से चलता जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में लगाना है। तो एफ ए प्लस एच यू बराबर क्या है F15, ये अपने पास इक्वल टू एफ ए क्या है एफ ए यानी कि 10 पे वैल्यू वो क्या है अपने पास, इसको लिख लेते हैं पहले एफ ए बराबर 10 प्लस यू, यू क्या है 0.5, और डेल एफ ए क्या है एफ ए एफ 10 डेल एफ ए प्लस 0.5 एंड 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए, एफ ए मतलब 10 प्लस, अब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी अपने पास प्लस 10 क्यू, सॉरी यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू एफ 10, ये होगी। आगे टर्म को हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाती है अपने पास, या हम ये भी बोल सकते हैं वो वैल्यू जो होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो उस टर्म को हम छोड़ सकते हैं। अब फिर से हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, तो अब वैल्यू पुट करने के लिए F15 बराबर F10 क्या है, F10 क्या है अपने पास टेबल से F10 बराबर यह 9 है अपने पास, तो हो जाएगा 9 प्लस 0.5, 0.5 इंटू एफ डेल एफ 10 क्या है डेल एफ 10 30, 30 तो ये आ जाएगा 30 प्लस, अब यू यू माइनस 1 ये करना है हमें, यू यू माइनस 1 मतलब 0.5, 0.5 माइनस 0.5 ये आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 2 इंटू 5, इसी तरह आ जाएगा 0. ये आ जाएगा यहाँ से 0.5, 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये हो जाएगा अपने पास। अब फिर से हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 9 प्लस, इसका मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस, इसका सोल्व इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 575 वन, ये आ जाएगा 125 अपॉन 2 1.25, ये आ जाएगा 0.75 सॉरी 0.625 प्लस, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 0.125, अब इसको सम किया तो ये आ गया 23.5, और इसको लिख सकते हैं 24, इसको राउंड ऑफ करके हमने 24% लिख दिया।
अभी जो 24% ऐसे होंगे जो कि RS 15 से कम पेमेंट मिल रहा होगा, जिनको मजदूरी होगी वो 15 से कम होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे मजदूरों की संख्या जो 15 से 10 से और 15 के बीच में हो। तो 10 ऐसे मजदूर कितने, ऐसे मजदूर जिनकी मजदूरी 10 से कम है, वो है अपने पास 10, सॉरी 9, 9 दिया हुआ है अपने पास। तो ये हम अब F15 -F10 निकालते हैं, तो ये निकाल सकते हैं 24 -9 = 15% या इसका आंसर या तो 15 दे सकते हैं या 14 दे सकते हैं, क्योंकि ये हमने राउंड ऑफ किया है, तो राउंड ऑफ करके हम 23rd भी ला सकते हैं। इस तरह 25% ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है इसका, मतलब इतने 15% लगभग ऐसे होंगे जिनका जो पेमेंट होगा वो 10 से और 15 के बीच में होगा।